आवर फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश। आज इंग्लिश में क्या पढ़ने हैं आप लोग को, ए टू एल विथ राइटिंग। पिछले वीडियो में मैं आप लोग को एच तक सिखाई थी, ए टू एच। आज मैं आप लोग को सिखाऊंगी ए टू एल। जैसे मैम यहाँ ए लिखती, फिर उसके बाद डैश, यहाँ आपको बी लिखनी है, फिर डैश, फिर आपको सी लिखनी है, फिर डैश, आपको यहाँ डी लिखनी है, फिर डैश, फिर यहाँ आपको ई लिखनी है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच। यहाँ तक मैम आप लोग को पढ़ा चुकी थी पिछले वीडियो में। एच के बाद क्या होती है, आई, स्टेलिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, डॉट डॉट, स्टेलिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टेलिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, आई। एक रेड लाइन में डॉट देंगे, फिर ब्लू में डॉट, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग को राइटिंग के साथ ही लिखनी है। स्लीपिंग लाइन, आई के बाद क्या होती है, जे, जे में क्या करनी है आप लोग को, पहले स्लीपिंग लाइन करनी है, यू स्टैंडिंग लाइन, और ऐसे कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यू कर्व से बार बार आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। जे के बाद के, स्टैंडिंग लाइन, यू तिरछी, स्लैंटिंग लाइन, यू, के बिल्कुल इजी है, इसको आप आराम से यू कर सकते हैं, यू, डॉट डॉट, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, यू, एल, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, डॉट डॉट, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। आप लोग को यहाँ तक प्रैक्टिस करनी है, ये आपका होमवर्क रहा ए टू एल।